सो हेलो गाइस, आज मैं एक यम्मी सा केक बनाने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पिल्सबरी रिच चोको ओवन केक मिक्स फॉर अ सेलिब्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग लेंगे एक बेकिंग बॉल एंड उसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल लिया है और उसको अब ग्रीस कर लेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें से निकालते हैं। सो अब सारे मिक्स को हम लोग इस बॉल में लेंगे। सो गाइस, हम लोग इसमें एग डालकर भी बना सकते हैं, बट मैं आज एगलेस केक बना रही हूँ तो मैं नहीं डालूंगी। सो गाइस, हम डालेंगे इसमें 40 ml वेजिटेबल ऑयल। अब हम लोग इसको धीरे धीरे पूरा मिक्स करते जाएंगे। तो हमें इस केक के मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, और अगर एक भी लम्स रहेगा तो हमारा केक का बैटर जो बनके तैयार होगा वो अच्छे से नहीं निकलेगा। अब हम इस मिक्स को बेकिंग बॉल में पलट लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बैटर को इसमें पलट लिया और अब हम लोग इसे टैप करेंगे। तो अब मैं इस बैटर को अपने ओवन में रखूंगी। इसमें केक का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं उसके हेल्प से बनाऊंगी। अब मैं केक का बटन दबाऊंगी और इसको स्टार्ट कर दूंगी। अब मेरा केक बन रहा है। सो गाइस, अब हम लोग केक को निकालते टाइम इस पे ग्लव्स लगा लेंगे। केक बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अब हम लोग इसको निकाल के चेक कर लेंगे। अगर नाइफ आपका नीट एंड क्लीन आया तो मींस आपका केक रेडी है। सो गाइस, अब हम लोग इस केक को हम लोग आधे घंटे छोड़ देंगे कूल होने के लिए, उसके बाद इसको ट्रे में सेट करेंगे। सो गाइस, अब हम लोग इसे पलटेंगे। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। सुपर, मैंने केक को डेकोरेट कर दिया है और ये देखिए, वाओ। तो ये बहुत टेस्टी है, यम्मी है। इसको आप ट्राई जरूर कीजिए। बाय बाय।